हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रबल मंथन। सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और बढ़िया से आज हम लोगों का जो साइंस का मैराथन है उसमें हम लोग मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हम लोग आज लेने की कोशिश करेंगे। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे अगर इच्छा हो तो, अगर मन करेगा तो सेशन को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। और बढ़िया से जो भी यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट से आए यहाँ पे आए तो प्लीज आप लोग अंतिम समय तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आप लोगों को आज देखने को मिलेंगे। ठीक बात है, तो चलिए, नीरू जुड़ गई है, निधि है, हीना है, फिर नेहा है, फिर आपका बस, तो यही जो कॉमन लोग हमेशा आते हैं वो आए हुए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सब पहले ही टाइम से जुड़ गए हैं, इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को। तो एक बार आप लोग परमिशन दे दीजिए कि बिना टाइम लॉस किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने की मतलब कोशिश करेंगे और आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। कल संडे यानी सैटरडे संडे डेली आपको मैं देखने को मिलूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार आप लोग मेरे को परमिशन दे दीजिए फिर सेशन को मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक मामला है। चलो, और आप लोगों से बस ये मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो इससे पहले हम लोगों ने मैराथन क्लास लिया था, मैराथन इन द सेंस आपका जो डेली हम लोग क्लास ले रहे थे उसका भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहना। और जो चीज लग रहा है कि यार इसमें मेरे को दिक्कत है उसको प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो, उसको सीखने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इतना ना क्वेश्चन बना लो कि अगर क्वेश्चन आए भी तो वही आए, समझ में आ रहा है मामला। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आ गया, बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्मिनल आर देयर इन एन इलेक्ट्रिकल पैनल। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल होता है उसमें कितने टर्मिनल आपको देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल ये सेल का बात कर रहा है, यानी कोई भी बैटरी का जब टर्मिनल का बात करोगे तो इसके पास दो ही तो टर्मिनल होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा, एक होता है आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा और एक होता है आपका निगेटिव वाला। तो इसी से तो सेल बनता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो अगर किसी भी सेल को मेरे को रिप्रेजेंट करना है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो मैं एक ऐसा बड़ा डंडा बनाऊंगा जो थोड़ा पतला होगा बट लंबा होगा, बट ये वाला जो है ये छोटा है बट मोटा है। तो छोटा मोटा वाला निगेटिव टर्मिनल और पतला लंबा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, इसी का एक सेल बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा। तो वही तो बोल रहा है हाउ मेनी टर्मिनल, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी और एक निगेटिव टर्मिनल की। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है। तो टर्मिनल के बेसिस पे बोला है, थैंक यू सो मच आपको निधि, ठीक है ना। वो आपका बरप्पा नहीं कि आपको लग रहा है कि मेरी वजह से हुआ, बट उसमें आप ही का मेहनत, तो दूसरा किसी का मेहनत नहीं, ठीक है ना। ये तो फॉर्मेलिटी है कि बस हमें करा रहा हूं, बट आप अगर कर पा रहे इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ा है और प्रैक्टिस आपने किया है। चलिए, निभा भी जुड़ गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बोला था कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक हायर पोटेंशियल पे होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा निगेटिव टर्मिनल, उसी से एक आपका सेल यानी बैटरी बनेगा, ठीक बात है। डैश बल के परास का घातांक 10^-16 मीटर होता है। अब इसका मतलब समझो, मामला क्या है कि आपके पूरे यूनिवर्स में कुछ प्रकार के फोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है यूनिवर्सल फोर्स। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल फोर्स। इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, इसमें आती है सबसे पहले जीएफ। जीएफ का मतलब प्रेमिका नहीं, जीएफ का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स हो गया जो चार्ज की वजह से आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मास यानी द्रव्यमान की वजह से आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। फिर आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, कौन सा फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार जो फोर्स होते हैं ना इनको बोला जाता है यूनिवर्सल फोर्स। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स कहने का मतलब ऐसा फोर्स जिससे अनगिनत, यानी जितना फोर्स पड़ते हो ना, आपका टेंशन का फोर्स होता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है, आपका वेट होता है, आपका फ्रिक्शन होता है, तो जितने भी दुनिया का फोर्स पड़ते हैं सारा का सारा फोर्स इन्हीं चारों फोर्स से मिलके बना है, इन्हीं का डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा मामला। तो मैंने क्या बोला कि यूनिवर्स में चार ही प्रकार के फोर्स होते हैं, तो मैं इसको यूनिवर्सल फोर्स बोलता हूं, जिसमें सबसे पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास की वजह से होता है और ये सबसे कमजोर फोर्स होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इन चारों में सबसे कमजोर फोर्स कौन है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक बात है।
दूसरा बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये चार्ज की वजह से होता है, आवेश की वजह से होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर में लगेंगे, यानी इनका रेंज बहुत कम है। सबसे छोटा रेंज किसका है, तो सबसे छोटा रेंज आपका इसका है, यानी इसका स्मॉलेस्ट रेंज है, इसीलिए इसका नाम पर गया है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इसका नाम इसलिए पड़ गया कि इसका जो आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, यानी इसके लगने का जो रेंज है वो बहुत कम है, यानी 10^-16 meters तक है, समझ रहे हो, 0.000 इतना जीरो करने के बाद वन टपकाना है। इसका मतलब आप बोलोगे इन दोनों फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी अगर आप इनफाइनाइट दूरी पे भी रखे हो चार्ज को या मास को, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है, बट ये न्यूक्लियस के अंदर में ही लगेगा, और न्यूक्लियस तो ऑलरेडी छोटा है, उसके बाद भी उसके अंदर लगेगा, इसका मतलब इसका दोनों का रेंज क्या होगा, सबसे कम। बट इसमें सबसे कम किसका होगा, वीक का, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो बोला कि 10^-16 किसका होगा, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रहा मामला, समझ में आ रहा मामला। तो जब भी आपसे बोला जाएगा पूरे यूनिवर्स में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, तो आप बोला चार, कौन कौन से, तो बोला पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा बोला वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, याद करने का तरीका जीएफ से याद रखने के लिए, जो भी प्रेमिका होती है भाई किसी ना किसी की वो अट्रैक्टिव ही तो होगी, तो और कमजोरी भी होती है, तो अट्रैक्टिव भी है और वीकेस्ट फोर्स भी है, कौन सा, ग्रेविटेशनल। अगर मैं रेंज का बात करूं तो 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, यानी इसका रेंज इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा मामला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से, ग्रेविटेशनल किसकी वजह से, मास की वजह से, जबकि न्यूक्लियर फोर्स में दो होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक होता है। सबसे कम रेंज किसका होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स का, और इन चारों में सबसे तगड़ा फोर्स कौन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मामला समझ में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। आगे बढ़ जाओ, बोला कि इन द सिंबॉल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेल, यानी भाई बैटरी का बात करें, द थिक शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी आपने पढ़ा एक थिन होता है और एक थिक होगा और शॉर्ट होगा, इसको मैं क्या बोलता हूं, निगेटिव टर्मिनल, इसको मैं क्या बोलता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है, टर्मिनल, यानी निगेटिव टर्मिनल का निरूपण करती है। मामला समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोला कि विच मटेरियल इज यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटर, तो जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसमें किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम जो होता है उसका गलनांक ज्यादा होता है, और साथ ही साथ गलनांक के साथ साथ इसका और क्या ज्यादा होता है, प्रतिरोधकता भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो भी इसको हीट मिले, जो भी इसको केमिकल एनर्जी मिलेगा तो उसको हीट में कन्वर्ट करता जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि जो आपका बिजली उसका नाम क्या होता है, नाइक्रोम। समझ में आ रहा है बाबू मामला, तो नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड अप, अब सिंपल सा बताओ कि किसी भी अगर मेरे को विद्युत बल्ब बनाना है तो उसके फिलामेंट को किससे बनाना पड़ेगा, तो उसको टंगस्टन से बनाना पड़ेगा। टंगस्टन का नाम क्या होता है, वोल्फ्रामाइट, जिसका सिंबल होता है डब्लू। समझ में आ रहा मामला। और इस टंगस्टन के, इस फिलामेंट के लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए इसमें दो गैस डाला जाता है, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन। ये क्या करता है, ये इस फिलामेंट के लाइफ को प्रोलोंग करता है, क्या करेगा, फिलामेंट के लाइफ को प्रोलोंग करने का काम करेगा, उसके लाइफ टाइम को क्या करेगा, लाइफ पीरियड को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ ना कि अगर आप कौन ऐसा गैस होता है जिसको हम बल्ब के अंदर में डालते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक गैस। पर्पस क्या है, एक तो उसके इसके फिलामेंट को वाष्पीकृत होने से बचाना, और दूसरा इसको ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करके रखना। मामला समझ में आता है। तो बाहर से क्या डालते हैं, नाइट्रोजन और ऑर्गन, बट उसका फिलामेंट जो होगा वो मिलके बनेगा टंगस्टन से। आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलो विच मेटल इज द फिलामेंट मेड इन ट्रेडिशन इन केमिस्ट बल्ब, बोल रहा है कि पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। वही बात, अब थोड़ा नाम बदल दिया बट मामला तो वही ना, फिलामेंट किस धातु का मिलके बनेगा भाई, तो फिलामेंट आपका वोल्फ्रामाइट यानी टंगस्टन से मिलके बनेगा। समझ में आ रहा है मामला, ठीक बात है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, जब बल्ब के अंदर का तंतु टूट जाता है,
हवा बोलते हो ना कि हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज कर गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो आपका तंतु है, जो वायर होता है, जो फाइबर होता है, वो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों भाई? जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई बहुत ज्यादा चला जाता है तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि अब करंट का पर्टिकुलर डायरेक्शन पूरा का पूरा प्रोहिबिट हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो आपका हीट बन रहा था वो नहीं बन पाएगा और आपके बल्ब से लाइट ग्लो नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा बात है भाई, व्हाट हैपेंड व्हेन द फाइबर इनसाइड द बल्ब ब्रेक, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं क्या, सिंपल, समझ में आ रहा है। अगर उसका फाइबर टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो आपका बल्ब फ्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्यूज। आगे बढ़ जाती है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको फ्यूज को जो आप, ये तो बल्ब का फ्यूज है, नॉर्मल आप लोग अपने मेन जो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जो रूम होता है उसमें आप लोग फ्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं। किस पर्पस के लिए? आपकी सेफ्टी मेजर का काम करता है, ठीक है ना। सेफ्टी मेजर कब करेगा? मान लो आपने एक ही सॉकेट से टीवी का भी, अपने वो हीटर का भी, सबका अलग अलग डिवाइस का आपने उसमें वायर लगा दिया है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओवरक्राउडिंग की वजह से क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या हो जाता है? करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, और करंट अगर अचानक से इंक्रीज कर जाएगा तो वो आपके सर्किट को पूरा खत्म कर सकता है, सत्यानाश कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग सेफ्टी मेजर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा? एक पतला सा तार होता है जो लेड और टीन के मिक्सचर से मिलके बनता है, जो अपनी कुर्बानी देके आपके सर्किट को, आपके घरेलू जो आपके तार होते हैं उसको बचा लेगा। तो याद रख लीजिएगा, जो फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है, तो वो आपके थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी में जो उत्पन्न होने वाला हीट है वो किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर की वजह से, तो उस पे काम करेगा। तो विद्युत के उसमें प्रभाव पर काम कौन करता है? उस पे काम करेगा आपका फ्यूज। आगे बढ़ा, एक फ्यूज इनेवरी में से किससे विद्युत परिपथ, कि भाई अगर ओवरलोडिंग हो जाएगा तो उसे बचाव के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। समझ में आ रहा है मामला? नहीं, शॉर्ट सर्किट के केस में ओवरलोडिंग के, और जब ओवरलोडिंग हुआ तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड अचानक से बढ़ जाएगा, तो आपका पूरा का सर्किट खत्म हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज। समझ में आ रहा है मामला? तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ओवरलोडिंग यानी अतिभारण, यानी ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द वायर यूज टू मेक एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। बोला कि आखिर में वायर का वो कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको मेरे को माइंड में रखना पड़ेगा फ्यूज बनाने के। समझ में आ रहा मामला? यानी जब भी मेरे को एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाना है तो वायर, क्योंकि ये तो है तार ही ना, छोटा छोटा तार से मिलकर बनता है, जो लेड और टीन के मिक्सर होते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फ्यूज होता है वो किससे मिलकर बनेगा? लेड और टीन से, याद रख लीजिएगा। अब मामला क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मेरे को एक ऐसा तार चाहिए जो बहुत कम समय में, बहुत कम हीट में क्या हो जाए, गल जाए, और उसका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हो, यानी रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा तो करंट का विरोध ज्यादा करेगा। तो अगर ज्यादा करंट है तो उसे लड़ने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस भी तो होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, आपके जो भी, आपके क्या बोलते हैं, जो भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है, जो फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो को रोकना रेजिस्टेंस का काम होता है। तो इसीलिए जब भी मैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाऊंगा तो मैं याद रखूंगा कि वो आसानी से पिघल जाए, क्योंकि जितने अच्छे से वो पिघलेगा उतने अच्छे से आपके सर्किट डिवाइस को बचाने का काम करेगा। तो क्या बोलोगे कि जब भी मैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाऊंगा तो याद रखना है कि वो जो फ्यूज होना चाहिए वो आसानी से क्या होना चाहिए? मेल्ट हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए, यानी उनका गलनांक बहुत कम होना चाहिए। यानी जैसे मेरा करंट का लेवल बढ़ेगा वो बेचारा कुर्बानी अपना दे देगा, और अपना कुर्बानी दे के आपके घर में जितने भी बढ़िया बढ़िया डिवाइस है, फ्रिज है, आपका टीवी है, आपका हीटर है, आपका वॉशिंग मशीन है, सबको बचाने का काम कर लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें गलनांक निम्न होना चाहिए, तभी तो बहुत कम टेम्परेचर में ही पिघल जाएगा। समझ में आ रहा मामला? और दूसरा, करंट को अगर विरोध करना है तो चालकता यानी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे उच्च चालकता होनी चाहिए। तो गलनांक कम और चालकता ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, अरे बहुत तेजी से पिघल जाता है ना ये, जितना तेजी से पिघलेगा उतने ही तेजी से आपका करंट रुकेगा सर्किट में, वो आपका सर्किट को ब्रेकडाउन कर देगा ना, सर्किट में करंट को आगे बढ़ाएगा नहीं। जब बीच से आपका तार टूट के गिर गया तो करंट आगे बढ़ेगा कैसे? बस ऐसे सोचो ना, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते, फिर बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। तो जैसे आपके एग्जाम में सेफ्टी डिवाइस आएगा तो आपके माइंड में बस एक ही चीज आना चाहिए, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, यानी यहाँ पे क्या टपका दो फ्यूज। तो फ्यूज का पर्पज ही क्या,
फ्यूज का पर्पस ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, विच इज यू करेंट क्या होगा अचानक से बढ़ जाएगा और ओवरलोडिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एनडीए का क्वेश्चन था कि शॉर्ट सर्किट के समय में क्या होता है, सिंपल सा आंसर क्या होगा, करंट अचानक से बढ़ जाएगा, जिसको अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूं तो बोलूंगा इस केस में आपका करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, तो ओवरलोडिंग की वजह से भी करंट बढ़ता है और उसी का दूसरा नाम शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट बढ़ता है, तो उसे रोकने के लिए मैं किसको लेकर आऊंगा, इलेक्ट्रिकल फ्यूज को। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज किस मेटेरियल का बना होना चाहिए, जो आसानी से पिघल जाए, यानी जिसका गलनांक बहुत कम है और उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा मामला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज। आगे बढ़ जाओ। फिर बोला है कि अमंग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अभी तो आपने पढ़ा, वो कौन ऐसा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है, अरे भाई फ्यूज ही तो है, बार बार फ्यूज ही कर रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फ्यूज होगा। आगे बढ़ जाओ। फिर बोला कि रेटिंग फॉर द फ्यूज, यानी अगर मेरे को किसी फ्यूज को रेट करना है कि कितना बढ़िया है कितना खराब है करना है, तो किसमें, आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो किसके बेसिस पे करूंगा, तो भाई जो फ्यूज ज्यादा करंट को झेल पाएगा वो अच्छा फ्यूज है, जो फ्यूज ज्यादा करंट को झेल नहीं पाएगा वो बुरा फ्यूज है। समझ में आ रहा, यानी फ्यूज का सिलेक्शन, यानी उसका हम लोग रेटिंग किसके आधार पे करेंगे, आपके सर्किट में बहने वाले कंडक्टर में बहने वाले करंट के आधार पे, कि करंट ज्यादा बह रहा है या कम, ज्यादा कम के बेसिस पे मैं मेजर करूंगा मेरे को फ्यूज का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। मामला तो यही बिगाड़ रहा है ना, करेंट तो करेंट ही तो होगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाते। विद्युत तो मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल, तो आप लोग याद रख लेना, एक तो आपका डायनेमो होता है, जनरेटर बोलो या डायनेमो बोलो, बात दोनों सेम है, तो दोनों का मिस कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, जब भी आपके एग्जाम में जनरेटर आएगा और डायनेमो आएगा तो बस याद रख लेना है कि दोनों का एक ही काम है, दोनों का क्या है, दोनों का नाम सेम है, काम ही सेम है। काम इसका क्या होता है कि ये जो जनरेटर होता है ना, ये आपके मैकेनिकल एनर्जी को, इसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन, जनरेटर या फिर डायनेमो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जबकि जो मोटर होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और बढ़िया से आपका जूस तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा मामला, तो होगा क्या, उसके अंदर में आप इलेक्ट्रिकल करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी करके, वो आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी करके अलग अलग काम इस्तेमाल आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट डेथ एनर्जी इनटू मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ जाते। फिर बोला है कि एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते, तो आप सभी जानते हैं कि बैटरी के अंदर में बहुत सारे एसिड्स होते हैं और एसिड क्या होता है, जो आपके जो भी उसको आप किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो H प्लस रिलीज करेगा, यानी एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा जो आपके अलग अलग आयंस फर्निश करेंगे और इसी आयंस के मूवमेंट की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो भी हमारा बैटरी होता है, बैटरी में होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया और उस रासायनिक अभिक्रिया से आपका क्या बनता है, उस रासायनिक अभिक्रिया से आपका विद्युत का उत्पत्ति होता है, यानी विद्युत धारा बनता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यानी केमिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसमें, आपके बैटरी में। कोई दिक्कत है क्या भाई, तो इसके अंदर में केमिकल्स होते हैं तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका रेडियो बैटरी से चलने लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी का मतलब रासायनिक ऊर्जा। कोई दिक्कत है क्या, तो मोटर का पूछा जाएगा, जनरेटर डायनेमो का पूछा जाएगा, इसी प्रकार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ जाए। फिर बोला कि पवन चक्की, तो आपने देखा होगा कि जो पवन चक्की जो हवा की वजह से चलता है, तो पवन चक्की टर्बाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, तो आप देखे होंगे कि जो भी पवन चक्की होता है उसमें आपके कुछ ऐसे ऐसे पंखे जैसे लगे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पंखे जैसे लगे होते हैं, आपने देखा होगा, तो ये क्या होते हैं, ये आप इसको बोलते हैं रोटेटर ब्लेडर या ब्लेड होते हैं, और ये ब्लेड आपके विंड की स्पीड की वजह से इनमें एक आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है ना, और इसके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, यानी क्या होगा कि जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा तो ये जो रोटेटर ब्लेड है ये बड़ी तेजी से मूवमेंट करेंगे, तो इसकी वजह से इसके अंदर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा और इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, यानी हुआ क्या,
आपके विंड की स्पीड की वजह से इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आया और वो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। तो अब क्या बोलोगे कि पवन चक्की जो होता है यानी जो टर्बाइन होता है वो डैश ऊर्जा को शक्ति में परिवर्तित करता है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैं थोड़ा सा पेनल्टी मार दिया, यांत्रिक ऊर्जा मतलब यांत्रिक में किसको किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, तो जो गतिज ऊर्जा था उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला भी मामला नहीं आएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपका। काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके मैकेनिकल एनर्जी में। आगे बढ़ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तो आपने पढ़ा भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा यार। केमिकल रिएक्शन किसके अंदर में होगा, बैटरी के अंदर में, और उस बैटरी से आपको आवाज सुनाई देगा रेडियो के अंदर। इसका मतलब केमिकल एनर्जी जो था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या बोलोगे, बैटरी। समझ में आ रहा है। इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। डीसी एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करते, इन्वर्टर। जनित्र यानी जनरेटर और डायनेमो तो दोनों एक ही काम करेगा। इसका दोनों का एक ही काम क्या है कि ये करेगा आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप जब शादी होती देखते हैं तो शादी में एक देखते हैं जनरेटर आता है उसको चलाता है तो उसके आर्मेचर कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जाता है घर में और आपके पंखे ट्यूबलाइट्स जलने लगते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो डायनेमो बोलो या जनरेटर दोनों का एक ही काम है। ये बीपीसी का क्वेश्चन आया था इस बार, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और इसका जस्ट उल्टा काम मोटर करता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को डैश में कन्वर्ट करता है, बताइए। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को डैश में कन्वर्ट करता है। तो जब भी कोई स्टीम इंजन का बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस, बताइए। तो जिस प्रकार अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा ना सोलर टर्बाइन वाला, विंड वाला, तो ठीक उसी प्रकार जो भी स्टीम इंजन होता है वो जो हीट को पकड़ रखा है उस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो क्या करेगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी, आप समझो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मैंने बोला इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और अगर मेरे को एसी से डीसी चाहिए, एसी से डीसी चाहिए तो मैं किसको लेके आऊंगा, अब मैं लेके आऊंगा रेक्टिफायर को। किसको, रेक्टिफायर को। किसको आऊंगा, रेक्टिफायर को। समझ में आ रहा बात। तो रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करेंट को डायरेक्ट करेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आगे बढ़ जाओ, फिर भाई रेक्टिफायर क्या करेगा भाई, तो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या, एसी को डीसी, उल्टा मत सोच लेना, डीसी को एसी नहीं, एसी को डीसी में करेगा, कौन, रेक्टिफायर। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन देखो बार बार, यानी कहीं ना कहीं रेक्टिफायर वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारा पूछा गया और पैटर्न एक ही रहेगा कि रेक्टिफायर किसको कन्वर्ट किसमें करेगा। अब देखो रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। आगे बढ़ जाते हैं, हाँ अब ये बढ़िया। अब ये एग्जाम में बीपीएससी के प्रीलिम्स आप लोगों ने दिया होगा इससे पहले वाले में, तो ऐसे लॉ भी आ जाते अक्सर एग्जाम में, तो इस लॉ को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में आ जाएगा तो मामला पूरा का पूरा फिट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते, थोड़ा समझिए, पहले पढ़ते अच्छे से। क्या बोला कि विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस डबल, यानी हमको चार्ज के बारे में बात करें, मान लीजिए चार्ज क्यू वन है और क्यू टू है, पहले इसका डिस्टेंस मान लीजिए डी था, अब इसका डिस्टेंस हो गया 2d, यानी डिस्टेंस इसका डबल हो गया, ठीक बात है भाई। विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेटेड है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस डबल, यानी पहले d था अब 2d हो गया। फिर बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन देम ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, यानी जब मैंने दो चार्ज के बीच की दूरी को दोगुना किया तो पहले अगर फोर्स F था तो अब हो गया F बटा 4, यानी फोर्स एक चौथाई से घट गया। ये कौन सा लॉ है भाई, तो ये कुछ नहीं, ये आपका कूलम्स लॉ है। कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपने एक Q1 चार्ज लिया, एक Q2 चार्ज लिया, दोनों को डी डिस्टेंस या आर डिस्टेंस में प्लेस कर दिया, तो इसके बीच में फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। वो क्या होता है, वो के Q1 Q2 अपॉन में आर के या डी के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब बताओ ना, ये इनिशियल केस था, अब आपने क्या कर दिया, आपने इसके बीच के दूरी को डबल कर दिया, तो जब दूरी को डबल करोगे तो एफ क्या है, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली है। अगर ये पहला कंडीशन है, जब इसको डबल करोगे यानी एफ डैश क्या हो जाएगा,
यानी क्या हो जाएगा 1/4d² यार 1/d² तो इनिशियल था ना, अब उसका 1/4 हो गया, कौन सा नया फोर्स। तो क्या बोलोगे, ये आपका कौन सा फोर्स है, ये आपकी कूलम्ब का नियम है। तो मैं बस सिंपल सा ये बताना चाहता हूं कि कूलम्ब्स क्या बोलता है कि जब भी आप दो चार्ज को कहीं एक फिक्स डिस्टेंस पे रखोगे तो उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स। ये फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू के, यानी कोई कांस्टेंट है, q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो इसने क्या बोला कि अगर आपने दो चार्ज को डी डिस्टेंस पर रखा है और आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, फोर्स एक चौथाई हो गया, ये कौन सा लॉ है, तो सिंपल सा ही कूलम्स लॉ है। कि जैसे आप अगर मान लो एग्जाम में बोलता कि डिस्टेंस को आपने ट्रिपल कर दिया तो फोर्स का जो 1/9 गुना हो जाए। समझ में आ रहा है मामला, बस आगे बढ़ जाते। हुज लॉ स्टेट दैट एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन। यानी कौन ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही उस जंक्शन से करंट जाएगा, यानी इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इसको समझने के लिए आप लोग दो लॉ को समझ लीजिएगा, एक होता है आपका किरचॉफ का, एक होता है आपका किरचॉफ का दो लॉ होता है, किरचॉफ का दो लॉ होता है, दोनों लॉ को समझ लीजिए। किरचॉफ लॉ को बोलते हैं केसीएल, क्या बोलते हैं केसीएल, और जो सेकेंड लॉ होता है उसको बोलते हैं केवीएल, केवीएल, केवीएल। तो मतलब किरचॉफ करेंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी एक करंट के लिए लॉ दिया उसको मैं फर्स्ट लॉ बोलता हूं, और जो वोल्टेज के लिए दिया उसको मैं बोलता हूं सेकंड लॉ। पहला पॉइंट तो ये एग्जाम में बोला जाएगा कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, करंट वाला, और सेकंड लॉ को बोलते हैं वोल्टेज वाला। दिक्कत होगा तो ऐसे सीख लो, पहले आप मतलब कोई भी अगर आप एग्जाम क्लियर करते तो सीबी आपको देना पड़ेगा ना, सीबी यानी सी पहले आएगा फिर बी आएगा, तो सी मतलब पहले करंट वाला लॉ यानी फर्स्ट लॉ, और बी यानी वोल्टेज वाला सेकंड लॉ हो जाएगा। जो करंट लॉ होगा ना वो चार्ज की कंजर्वेशन पे बेस्ड था, किस पे, चार्ज कंजर्वेशन पे, ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, इसमें बेस्ड था चार्ज के कंजर्वेशन पे। जबकि दूसरा यानी वोल्टेज का जो लॉ था वो था आपकी एनर्जी कंजर्वेशन पे, इसपे एनर्जी कंजर्वेशन, समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो पहला तो ये क्वेश्चन बोला जाए किरचॉफ के दो लॉ थे, किरचॉफ का करंट लॉ, और इसी लॉ का दूसरा नाम था जॉनसन रूल, जॉनसन रूल, समझ में आ रहा है। तो जॉनसन रूल बोलो या किरचॉफ का करंट लॉ बोलो, बात दोनों सेम है, और ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ था जो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड था। तो भाई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि मान, ये क्या है, क्या इसको आप नोड बोल दो, नोड, ठीक है ना। इसे मान लीजिए एक आपने वायर ऐसे जोड़ा, ठीक है ना, ये I1 करंट लेके आया, एक वायर आपने ऐसे जोड़ा ये I2 करंट लेके गया, और एक वायर आपने ऐसे जोड़ा ये I3 लेके गया, और एक वायर आपने ऐसे जोड़ा I4 लेके गया। तो आप इसे मैंने क्या बोला, ये लॉ क्या बोलता है, ये मैं किरचॉफ के करंट लॉ के बारे में बात करूं, केसीएल के बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में। इसने क्या बोला कि इस नोड के जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, दो आ रहा है, एक I1 I2, तो मैं लिख देता हूं I1 + I2, उतना ही करंट जाएगा, देखो कितना निकल रहा है, दो, समझ में आ रहा है, निकल कितना रहा है I3 + I2। तो नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि किसी भी जंक्शन पे जो अल्जेब्रिक सम होता है किसका, करंट का, वो हमेशा जीरो होता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं एट जंक्शन अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। मामला समझ में आ रहा है। तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी नेट करंट का जो आपका अल्जेब्रिक सम होगा तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा जीरो होगा। समझ में आ रहा है मामला। उसी प्रकार जब इसमें बात करोगे तो इसमें नेट वोल्टेज जो होगा वो आपका जीरो हो जाता है, इसमें करंट जीरो होगा इसलिए करंट लॉ हो गया, और इसमें वोल्टेज जीरो हो जाता है इसलिए ये वोल्टेज लॉ हो गया। तो क्या बोलोगे कि कौन सा लॉ था, ये आपका था, हाँ, तो ये था आपका कौन सा लॉ, किरचॉफ, किरचॉफ कहां पे, यहां पे, बस कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है मैं ग्रीन कलर हटा देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है मामला। तो क्या बोलोगे, किरचॉफ ने दो लॉ दिया था, एक बोलते किरचॉफ का करंट वाला लॉ जो फर्स्ट लॉ था, और एक बोलते किरचॉफ का वोल्टेज वाला। किरचॉफ का करंट वाला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित था, यानी आपके क्या बोलते उसको, आवेश के संरक्षण पे आधारित था, संरक्षण सिद्धांत पे, जबकि दूसरा वाला ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित था। पहला वाला क्या बोलता है कि एक जंक्शन पे एक पॉइंट पे जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। तो सबको जोड़ दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो। फिर ये क्वेश्चन देखिए, फिर ये क्वेश्चन क्या था,
बोला कि डैश कहता है कि किसी चालक के मध्य में बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि स्थिर हो। तो चलते हैं हम लोग जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के पास। ओम ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने फिजिकल कंडीशन को फिक्स कर रखा है, जैसे आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो आपका करंट होता है ना, वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसी से रिलेशन निकलता है कि आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इनटू R। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर की दो अलग अलग सिरे पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट का फ्लो भी बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ यही तो बोलता है कि भाई जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी और करंट यानी आई, ये दोनों का जो रेशियो होगा एक कॉन्स्टेंट के बराबर होता है और उस कॉन्स्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। यानी किसी भी आप जैसे मान लो एक कंडक्टर है, तो इसको इसके पोटेंशियल को मैंने बोल दिया हायर पोटेंशियल, इसको मैंने बोल दिया लोअर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे इसके पोटेंशियल में बदलाव होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग इस कंडक्टर यानी मैंने बोले कि आपका मार्कर जो पेन है ये आपका कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के क्या करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो अगर मेरे को किसी भी कंडक्टर के अंदर में करंट को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट करना जरूरी है। और इसी को समझाने के लिए आपका किसने कौन आया था, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोला था, वी इज इक्वल टू आई इनटू आर। आगे बढ़ जाते, अब इसी के साथ फिजिक्स हमारा खत्म होता है। अब बारी केमिस्ट्री, बारी है केमिस्ट्री की, आ जाइए जल्दी से। हाँ, बोला कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फॉर्मूला बनाना आप लोगों ने तो सीखा ही होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं एल्यूमिनियम, क्या लिख देता हूं, एल्यूमिनियम, और यहां पे लिख देता हूं क्लोराइड, एल्यूमिनियम, और यहां पे लिख देता हूं क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल लिख दो Al और क्लोराइड का लिख दो Cl। एल्यूमिनियम का वैलेंस कितना होता है +3, क्लोराइड का कितना होता है -1, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। तो क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम जो क्लोराइड होता है लुईस एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? फिर देखो अमोनियम क्लोराइड, फिर से फॉर्मूला बनाते हैं अमोनियम, यहां पे मैंने लिख दिया अमोनियम, क्या है जी अमोनियम, और ये रहा क्लोराइड, क्या रहा क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का सिंबल लिख देते हैं NH4, क्लोराइड का Cl, इसका +1, इसका -1, दोनों तो एक दूसरे को काट दिया, सीधे चिपका दो इसको NH4Cl। यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl। किसी प्रकार का दिक्कत? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए, ये PYQ का ही क्वेश्चन में करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग सतर्क रहना और ऐसे एग्जाम में अक्सर आते रहेंगे। आगे बढ़ जाते, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम ऑक्सिलेट। फिर देखो जो टमाटर में ऑक्सिलिक एसिड होता है ना, उसी से ये ऑक्सिलेट आया हुआ है। तो चलो लिखते हैं फिर से, ये हमारा रहा अमोनियम, आराम से कोई टेंशन की बात है, अमोनियम, और ये आपका ऑक्सिलेट। तो सिंबॉल पता होना चाहिए बस, अमोनियम का NH4, ऑक्सिलेट का C2O4, इस पे -2 चार्ज, इस पे +1, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, फॉर्मूला बन गया NH4 का होल ट्वाइस C2O4, ये हो गया अमोनियम ऑक्सिलेट। तो देखो NH4 का होल ट्वाइस C2O4, बहुत बढ़िया फॉर्मूला था, जो पढ़ के नहीं गया पेनल्टी मारेगा। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, ऑक्सिलेट का होता है C2O4, उसका वैलेंसी -2 होता है, तो ये अमोनियम को मिलेगा तो NH4 का 2 हो गया, और ये रहा C2O4, उसके साथ चिपक गया क्योंकि उसको तो +1 मिला है, तो +1 मिलेगा तो 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ जाते, गहरे समुद्र की गोताखोरों की ऑक्सीजन, जानते हैं कि जब भी हम लोग बहुत डीप में जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो पॉइजन होने लगता है। उस कंडीशन में हाई प्रेशर की वजह से आपका ऑक्सीजन पॉइजनस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करो या फिर हीलियम का इस्तेमाल करो। नाइट्रोजन ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है, बट ये नेक्रोसिस करके आपके टिश्यू को मारने लगता है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीलियम का। तो इसका मतलब क्या, मैं बोलूंगा उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। तो उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगी, क्या कंफ्यूज हो गई हिना, देखो हिना इसने बोला है कि अमोनियम ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले एक जगह लिखो अमोनियम, एक जगह लिखो ऑक्सिलेट। अमोनियम का जो सिंबल होता है वो होता है NH4, तो मैंने टपका दिया NH4। ऑक्सिलेट का जो सिंबल होता है वो होता है C2O4, तो मैंने टपका दिया C2O4। अब मैं चलूंगा इसके वैलेंसी के चक्कर पे, तो अमोनियम का वैलेंस होता है +1, तो मैंने लिख दिया +1। C2O4 का वैलेंस होता है -2, तो मैंने लिख दिया -2।
ये चला जाएगा इस पे, ये चला जाएगा इस पे, तो एनएच फोर को कितना मिला टू, तो मैंने लिखा एन एच फोर टू। सीटो फोर को कितना मिला वन, तो मैंने लिखा सीटो फोर। कुछ नहीं तो क्या वन ही तो है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा मामा? बताओ इसमें क्या कंफ्यूज हो गया? ठीक बात है। तो याद रख लीजिएगा कि हम लोग अगर गहरे समुद्र की गोताखोरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम लोग हीलियम का मिलाया जाता है, क्यों भाई? क्योंकि यह उच्च दाब पर, यानी जब प्रेशर पानी का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम ये घुलेगा, और कम घुलने की वजह से डेंजरस कम है। आगे बढ़ जाओ। एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा RCHO, यही तो होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो होता है ना, बड़ी तेजी से एसिड बनाने की टेंडेंसी रखता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। एक बात बताओ, अगर मेरे को एल्डिहाइड दे दिया गया, एल्डिहाइड क्या था RCHO, तो एसिड बनाने की बड़ी जल्दीबाजी है, तो इसका मतलब इसमें एक ऑक्सीजन चिपक गया, तो खुद इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तभी तो आपने पढ़ा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जिसका खुद जिस कंपाउंड का ये मॉलिक्यूल्स का खुद ऑक्सीडेशन हो रहा, वो किसकी जैसा काम करेगा? वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। क्या बोलोगे? जो अल्डिहाइड होता है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि बस इसको एक ऑक्सीजन चाहिए और ये भी आपका एसिड बनने की कोशिश कर लेगा। आगे बढ़ जाते। इथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्यों भाई? क्योंकि इथेनोइक अम्ल जो होता है ना, वो जो आपके बर्फ होते हैं, बर्फ मतलब ये बर्फ के वाले जगह पे आपका जमने लगता है, यानी अगर आप इथेनोइक एसिड को यूज नहीं कर रहे हो ना, तो बर्फ जैसा आपका क्या होता है, जमने लगता है ठंडी के दिन, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा मामला? तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहने का बस एक ही इसका वो है कि ठंडे मौसम में क्या होता है, बर्फ जैसा जम जाता है। समझ में आ रहा मामला? तो बर्फ जैसा जम जाने की वजह से जो इथेनोइक अम्ल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्लीज आप इसको ध्यान में रखें। आगे बढ़ जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह कितनी रिंग होने चाहिए? तो अगर मेरे को किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलना है, तो कम से कम एक बेंजीन की रिंग तो होनी ही होनी चाहिए, यानी बेंजीन का रिंग आप सभी जानते हैं, ये रहा बेंजीन का रिंग। तो अगर मेरे को एक बेंजीन या एक से ज्यादा बेंजीन दिखाई दे, इसको मैं एक हाइड्रोजन को हटा हटा के कभी OH लगाऊंगा, कभी C डबल OH लगाऊंगा, कभी NH2 लगाऊंगा, तो इससे मेरे को अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड मिलते जाएगा। यानी अगर मेरे को कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, तो मेरे को कम से कम एक बेंजीन की रिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आंसर क्या होगा? वन। समझ में आ रहा बात? इसीलिए बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, और बेंजीन से जुड़ा जो भी कंपाउंड होता है वो बेंजीन डेरिवेटिव कहलाता है, यानी बेंजीन के ही सब बाल बच्चे। समझ में आ रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फाइनिंग एजेंट इन वाइन? अब बताओ, जब भी हम लोग बात करते हैं शराब में, तो शराब में फाइनिंग एजेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एनिमल की टिश्यू से ऑब्टेंड एक गिलाटीन होता है, गिलाटीन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? आपका फाइनिंग एजेंट के लिए। किसके लिए? फाइनिंग एजेंट के लिए। तो जो शराब होता है, उसमें उसके कलर को, उसमें उसके स्मेल को, उसमें उसके टेस्ट को थोड़ा फाइन करना है, थोड़ा शार्प बनाना है, तो उसमें गिलाटीन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गिलाटीन। अगर तगड़ाना सा है और मामला चौपट हो जाए। एथिलीन इज अ डैश मॉलिक्यूल। सो एथिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ये एक प्रकार का एल्कीन का मेंबर है। किसका है? एल्कीन का मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड C, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा। तो पहले तो स्ट्रक्चर सीख लीजिए। स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखा दे रहे? लीनियर। कैसे दिखा दे? रेखीय, यानी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। पहला लिखोगे कैसा स्ट्रक्चर होगा? लीनियर। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके बीच में देखो, ये दोनों एटम क्या है? सेम। जब दोनों एटम सेम, यानी दोनों कार्बन कार्बन है, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या? नहीं। जब दो अलग अलग एटम होंगे, तभी तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही नहीं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल कैसे कहलाएंगे? नॉन पोलर कहलाएंगे। तो क्या बोलोगे? लीनियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लीनियर नॉन पोलर। कोई दिक्कत है क्या? क्या बोलोगे आप? लीनियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? पहले मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर बने, स्ट्रक्चर बनेंगे तो C डबल बॉन्ड H2 बन गया। अब फिर इसने बोला कि भाई इसके बाद बारे में बात करते, तो कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या? नहीं। इसका मतलब कैसा है? ये नॉन पोलर। अगर होता तो पोलर बोल देता, जैसे पानी है तो उसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उसको मैंने पोलर बोल दिया। बट इसको मैं बोलूंगा लीनियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा मामला? अभी कोवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, कोवेलेंट भी हो सकता है, 50% चांस है भाई। पोलर और आयनिक तो होगा नहीं, तो कोवेलेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी होता है।
नॉन पोलर भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा आंसर सुटेबल होगा। बट अगर इस दोनों में से किसी को चूज करना है तो नॉन पोलर ही आप मारिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन का दो दो बॉन्ड है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, वो कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर में टेट्रागोनल इन चार चार साइड वाले क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो ये हमारा रहेगा कैल्शियम सल्फेट, क्या रहेगा कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम किसमें टूटेगा, कैल्शियम आपके Ca2+ में टूटेगा और सल्फेट कुछ ऐसे टूटेगा, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, ये रहा तीसरा ऑक्सीजन और ये चौथा ऑक्सीजन। इसका मतलब देख रहा हूं इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर आपको टेट्रागोनल दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका CaSO4 होता है, CaSO4 यानी कैल्शियम जो सल्फेट होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्रागोनल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा मामला, स्ट्रक्चर आपके सामने देखो SO4 है ना, तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीन, ये क्या टेट्रागोनल शेप की नहीं दिखाई दे रहे, चार चार आपकी साइड दिखाई दे रहे, इसका मतलब कैसा है टेट्रागोनल शेप का है। डैश इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक बेवरेज, अब बताइए अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या डाला जाता है, अभी से भी आप लोग तो सब परिचित होंगे, सिंपल सा बात है इथेनॉल, इथेनॉल से मिलकर आपका क्या बनता है दारू बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल जो होता है C2H5OH उसी से मिलकर दारू बनता है। मिथेनॉल मत डाल देना। डैश इज अ मेन फैटी एसिड प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल एंड पाम कर्नल ऑयल विच हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, वो कौन ऐसा आपका इसमें से एसिड होता है जो कोकोनट के ऑयल्स में मौजूद होता है साथ ही साथ उसके कर्नल के ऑयल में मौजूद होता है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को शो करता है, तो इसका आंसर होगा लॉरिक एसिड। तो लॉरिक एसिड जो होता है साबुन में भी होता है, आप सभी ने जाना होगा, तो जब फ्लू हो जाता है, जब कोई भी आपका फंगस वंगस बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर जो साबुन बोलता है उसके अंदर में लॉरिक एसिड होता है, और ये लॉरिक एसिड क्या करेगा एंटी माइक्रोबियल एक्शन करेगा, उस माइक्रोब्स को या तो उसकी ग्रोथ को रोक देगा या फिर उसको मारने का काम करेगा। तो याद रख लीजिएगा कि आपके नारियल के तेल और पाम कर्नल तेल में मौजूद जो फैटी एसिड होता है उसका नाम होता है लॉरिक एसिड, और इसका ये किसके जैसा बिहेव करता है, इट एक्ट एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आगे बढ़ जाओ, फिर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है भाई, आपका डिटोलोटोल हो गया, ठीक है ना, जो आपकी स्किन पे लगाया जा सके और वो आपके भाई आपके बैक्टीरिया फंगस जो भी उसकी ग्रोथ को या तो इनहिबिट करे या उसको मार दे। तो एंटीसेप्टिक में किसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक में हम लोग आपके बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बोरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ये वीक मोनोबेसिक ल्यूमिनस एसिड होता है H3BO3, इसका इस्तेमाल हम करते हैं आपके एंटीसेप्टिक के लिए। और नॉर्मली जब आपने आंख में ड्रॉप डाला है ना, जो आंख में ड्रॉप डालते हो तो कभी कभी आपका क्या होता है आंख लाल हो जाता है, कभी कभी आपको आंख से बिना मतलब आंसू टपकने लगता है, जलन होने लगता है, तो डॉक्टर के पास जाते तो वो आपको देता है कि आंख में ड्रॉप डाल, तो उसके अंदर में भी ये आपका एसिड मौजूद होता है, वो एक छोटा सा माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम करेगा जो आपके अंदर जो आपके क्या बोलते हैं सेंस ऑर्गेन के अंदर में मौजूद छोटे छोटे जो आपके बैक्टीरिया पैथोजन से उसको किल करने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तो उसमें लॉरिक एसिड जरूर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो फास्फोरस के बहुत सारे फॉर्म होंगे, आपने पढ़ा होगा व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, बट उन सारे फास्फोरों में से वो कौन ऐसा फास्फोरस है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है व्हाइट फास्फोरस। क्यों होता है भाई, क्योंकि अगर आपने इसको खुली हवा में छोड़ लिया तो उसी समय ये जल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस का होता है, और 30 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इग्निशन कर लोगे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको बचा के रखना है तो पानी में डुबा के रखो वरना ये एक्सप्लोड कर सकता है, और इसी की वजह से इसका शेप आपका चतुष्फलक हो जाता है। तो अब याद रख लेना व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर आपने इसको हवा में छोड़ा तो अपने आप बिना किसी आपके माचिस के अपने आप ये जल जाए। मेथेनॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई मीथेन है तो एक कार्बन होगा और अल्कोहल है तो OH होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है CH3OH, अगर इथेनॉल होता तो C2H5OH, ये मीथेनॉल है मिथ है और ये आपका इथ, समझ में आ रहा मामला, मैं पूरा लिख देता हूं भाई मीथेनॉल और इथ, ये बात है आंसर होगा CH3OH, ठीक है ना। इसको वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, ठीक है ना, और ये कभी भूल के भी नहीं लेना चाहिए डायरेक्टली, इथेनॉल से ज्यादा जाने वाला होता है कि अगर मान लीजिए दारू में कहीं इथेनॉल बोल भटक के किसी ने टपका दिया तो मामला सीधे हो जाएगा साफ, तो आप समझते हैं ना कि भाई जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, तो कुछ नहीं वो इथेनॉल से मिथेनॉल का दारू पी लेते हैं, तो जब इथेनॉल पियेंगे तो पेनल्टी मारेंगे ही मारेंगे, इसलिए भाई ना इथेनॉल पीजिए ना मिथेनॉल पीजिए, चुपचाप पानी पीजिए। तो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लिए मेरे को कार्बन भी चाहिए हाइड्रोजन भी चाहिए, वो कौन कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन का सोर्स नहीं है। आप सभी जानते हैं नेचुरल गैस में हाइड्रोकार्बन होता है,
पेट्रोलियम में भी हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना, कोल में भी हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, पर जो माइका होता है वो आपका क्या होता है, इसके अंदर में नॉर्मल सिलिकॉन के कंपाउंड होते हैं, सिलिकॉन के कॉम्प्लेक्स आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके अंदर में ना तो कार्बन ना तो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ये आपके इग्नीशियस रॉक से मिलते हैं, ये रॉक ओक में देखने को मिलेंगे, ये नॉर्मल आपके हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाते हैं। तो जो माइका होता है वो सिलिकॉन के अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन ही होता है, तो मैं बोलूंगा ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये कहां बनेगा, जब इग्नियस रॉक जब फटेगा फूटेगा, जो भी लावा मैग्मा जो भी होता है, तो उससे आपका ये बनता है। अगर सीमेंट का बात किया जाए तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन के लिए क्या क्या चाहिए, तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन के लिए मेरे को तो चूना पत्थर चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, जिप्सम भी चाहिए, एल्यूमिना भी चाहिए, फेरिक ऑक्साइड भी चाहिए, सारा का सारा चीज चाहिए, बट इसमें तीनों में सुटेबल इन सब तो सब दिया था, सब इसमें चूना पत्थर मिट्टी दिया तो इसमें जिप्सम छोड़ दिया, तो चूना पत्थर भी ले लो, मिट्टी भी ले लो, जिप्सम भी ले लो, और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको मिला के आपका क्या बनता है, सीमेंट बनता है। समझ में आ रहा होगा, डेंस सीमेंट के जमने की दर को घटाता है, यानी अगर मेरे को सीमेंट के सेटलिंग को रोकना है, सीमेंट को कड़क बनाना है, थोड़ा सा उसको फैला के रखना है, तो कौन ऐसा चीज होता है जो सीमेंट के सेटलिंग को रोकने का काम करेगा, तो उसका नाम होता है आपका जिप्सम। तो याद रखना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जिप्सम जो होता है जिसका फॉर्मूला आपने सभी जानते हैं CaSO4.2H2O, ये सीमेंट के सेटलिंग को रोकता है, सीमेंट को जमने नहीं देता। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, पहला तो CU से कंफ्यूज मत होना, CU नहीं CaSO4.2H2O। आगे बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो पहले फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, जब बुक को खोल दोगे ना तो ऐसे तो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसके अंदर में पोलर भी बॉन्ड होते हैं और नॉन पोलर भी बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, देखो ये वाला पोलर बॉन्ड है, सॉरी ये वाला नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इसका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है, जीरो, ये वाला पोलर बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उसका हम इस्तेमाल किसके जैसा करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन करने का मतलब क्या होगा, ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना दे, यानी मस्त कलर सब्सटेंस था जैसे आपने H2O2 डाला, वो ब्लीचिंग एक्शन करके उसको क्या कर देगा, उसको कलरलेस बना देगा। तो कलर्ड को कलरलेस करना ही ब्लीचिंग एक्शन कहलाता है, और ये ब्लीचिंग एक्शन के लिए मशहूर कौन सा केमिकल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको H2O2 बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट, देखो बोरेट टेट्रा की चार है और हाइड्रेट डेगा ने 10 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, Na2B4O7.10H2O। तो देखो सोडियम टेट्राबोरेट डेगा ने 10 हाइड्रेट, इसी को बोलते हैं बोरेक्स या टिंकल बोलते हैं, या इसको अपने भाषा में बोलते हैं सुहागा, क्या बोलते हैं सुहागा। समझ में आ रहा मामला, तो क्या बोलोगे कि सोडियम टेट्राबोरेट डेगा हाइड्रेट फॉर्मूला याद रखना है, Na2B4O7.10H2O, इसको हम बोलते हैं बोरेक्स, क्या बोलते हैं बोरेक्स। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, पहले फॉर्मूला लिखो, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा सल्फेट, और ये रहा हेप्टा यानी सात, और हाइड्रेट यानी पानी, तो MgSO4.7H2O को बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट। अब इसका नाम इप्सम क्यों पड़ा, ये भी पहेली है, तो इंग्लैंड में, कहां पे, इंग्लैंड में एक झरना था, उस झरना का नाम था इप्सम झरना, कौन सा नाम था इप्सम, और इसी झरने से जो पानी सबसे पहले निकाल के ला के नमक बनाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इप्सम सॉल्ट, क्या पड़ गया इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम कुछ नहीं, एक इंग्लैंड में झरना है पानी का, और वहां से सबसे पहले इस नमक को बनाया गया उस पानी का इस्तेमाल करके, इसलिए इसको इप्सम सॉल्ट बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O, क्या 7H2O, मामला समझ में आ रहा है। जिंक कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक सम्मिश्रण का सामान्य नाम क्या, देखो बढ़िया से, क्या बोला कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट, जब आप इसको मिलाओगे तो इससे क्या बनेगा आपको ये बताना है, बताइए। तो क्या बोला, जिंक कार्बोनेट एवं हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक सम्मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कैलेमाइन। कैलेमाइन जो होता है ना वो एक जिंक का ओर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, क्या होता है ZnCO3। तो याद रख लेना, बोरेक्स तो अभी आपने पढ़ा, बोरेक्स में बोरोन होगा, ठीक है ना, चौक में कैल्सियम होगा, और बेरिजील में भी बोरोन होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा कैलेमाइन, इसमें जिंक का कार्बोनेट होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो भाई नाइट्रिक अम्ल तांबा के साथ करेगा, हाँ करेगा, लोहा के साथ करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा,
जस्ता यानी जिंक के साथ करेगा, हाँ करेगा, बट सोना के साथ अकेला नहीं करेगा, इसको अपना पार्टनर यानी HCl को बुलाना पड़ेगा, तब जाके एक्वारेजिया बनेगा और वो एक्वारेजिया गोल्ड और प्लेटिनम को डुबा। बट यहाँ पे केवल नाइट्रिक अम्ल दिखाई दे रहा है, इसका पार्टनर नहीं है, इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल सबको डुबा लेगा, सबको मार देगा, बट सोना को मारने वाला नहीं। याद रख लेना कि जब भी मेरे को गोल्ड को डिजॉल्व कराना है तो दो पार्टनर को लेके आना पड़ेगा, एक HCl 3 पार्ट उसका और एक HNO3 उसका 1 पार्ट। जब दोनों आपस में मिलते हैं तब उससे बनता है एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर बोला जाते हैं, और वो रॉयल वाटर आपकी गोल्ड को प्लेटिनम को डुबा सकता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा सोना। एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदलता है, तो सिंपल सा बात है, अम्ल क्या करेगा, अम्ल ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा। तो मैंने बोला था ना बार करके याद रख लेना, बार तो ए से याद रख लेना एसिड, ए से याद रखना, और बी टू आर यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कौन करेगा, एसिड। तो बार से याद रख लेना, तो एक अम्ल डैश को डैश में कन्वर्ट करेगा, तो ब्लू को रेड में, पहले ब्लू आया फिर रेड, तो ब्लू को, समझ में आ रहा है। तो लिटमस टेस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर मेरा ब्लू लिटमस रेड हो गया यानी आपका एसिड वाला मामला आ रहा है, और रेड ब्लू हो गया यानी बेस वाला मामला, उल्टा पलट। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, तो आपने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज जिसको हम लोग कॉम्पोजिट ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, जिसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है, एंडोक्राइन भी पोर्शन होते हैं, इसके अंदर में कुछ एसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं, लैंगरहंस की द्वीपिका, उसके बहुत सारे सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, तो उसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जो आपके ब्लड के अंदर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। समझ में आ रहा मामला। उसने वही बोला कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, तो यार किससे होगा, आपके अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, बताओ कौन सी ग्रंथि, वही तो पेनक्रियाज ग्रंथि भी तो है। समझ में आ रहा मामला, तो क्या बोलोगे, पेनक्रियाज जो ग्रंथि होती है वो आपकी क्या बनाएगी, वो इंसुलिन बनाने का काम करती है। मधुमेह जो होता है उसका कारण क्या होता है, तो मधुमेह का कारण क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर में इंसुलिन का मात्रा कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं डायबिटीज का मेन रीजन क्या है, इंसुलिन का लेस प्रोडक्शन, तो अगर आपका लेस प्रोडक्शन हो रहा है इंसुलिन का, तो समझ लेना कि मामला कुछ ना कुछ दिक्कत है। और कौन सा बीमारी है, अभी तो मेरे को डेंगू भी लग रहा है क्योंकि मच्छर इधर घूम रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। आगे बढ़ना, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सा ऑर्गन इंसुलिन बनाएगा, तो अभी आपने तो देखा पेनक्रियाज बनाएगा, पेनक्रियाज मतलब भाई अग्नाशय। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर में इंसुलिन की प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से कौन सा बीमारी, डायबिटीज होगा, कौन सा होगा, डायबिटीज। आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर सैनिटेशन रिलेटेड टू डिजीज, कौन ऐसा बीमारी है जो जल या स्वच्छता से नहीं फैलता, ये नहीं कि एकदम पाउडर वाउडर लगा के क्रीम वरीम लगा लिए हैं तो इसका मतलब आपको इंसुलिन नहीं होगा, नहीं इंसुलिन हो जाएगा भाई, वो आपका जल से नहीं लेना देना है और ना ही आपके स्मार्टनेस पे और आपके स्वच्छता पे जाने वाला, ये स्वच्छ से फैलने वाली बीमारी नहीं है, इसमें इंसुलिन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके याद रख लीजिएगा, ये जल से फैलने वाली यानी डायबिटीज जो होता है ना, तो इसका वाटर का कोई इफेक्ट होता है और ना इस पे हेल्थ का आपका स्वच्छता। अब इसमें ये नहीं कि आपको मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वही होगी लीवर, लीवर से ज्यादा कौन होगा, तो सबसे बड़ी लंबा आपकी होती है लीवर, दूसरा होता है अग्नाशय, कौन होता है, पेनक्रियाज जो होता है वो सेकेंड आपका होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, अगर बोला जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, तो उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि अगर नॉर्मल बोला जाए तो लीवर, दूसरा बोला जाए तो पेनक्रियाज, बस। तो क्या मैं बोलूंगा इसको, लीवर, क्या बोलूंगा, लीवर यानी जिगर यानी यकृत। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन ऐसा आपका इसमें से ऑर्गेन है जिसको बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी बोला जाता है, हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में, चलिए कादिर हुसैन हमारे भाई आए हैं और सीधे बोले नेहा कैसी, अगर आपको पढ़ना है कादिर जी तो प्लीज आप लोग थोड़ा, आप थोड़ा शिक्षा का कद्र करके बढ़िया से पढ़िए, आंसर का जवाब दीजिए, नहीं पढ़ना है तो आराम से चले जाइए, ठीक है ना भाई। चलो, तो क्या बोला इसने, इसने बोला है कि आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन ऐसा पार्ट है जो आपका प्रयोगशाला का काम करने का काम करेगा, तो सिंपल, अब जब लीवर का मैं बात करता हूं तो लीवर का एक फंक्शन ही है, लीवर के अनगिनत फंक्शन है, एक कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ये आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ये आपके बाइल का प्रोडक्शन करता है,
ये आपके हिबरीन का प्रोडक्शन करता है, ये आपके बॉडी के अंदर में यूरिया का संश्लेषण करता है, ये आपके बॉडी के अंदर में माइक्रोब्स को मारता है, यानी न जाने कितने ऐसे फंक्शन है जो लीवर परफॉर्म करता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये हमारे मतलब बॉडी का लेबोरेटरी है, ये हमारे बॉडी का लेबोरेटरी है, ठीक है ना। इसको उड़ा ही देते कादिर हुसैन बेचारा। चलो बेचारा इसको ना देना, अचानक से कौन सा बीमारी हो गया। इसका लग रहा है कि पूरा पूरा तेजी से एकदम यूरिया संश्लेषण होने लगा। तो याद रख लेना कि लीवर का एक नहीं हजारों फंक्शन होते हैं, एक हजारों में मेरी बहना नहीं हमारा लीवर है, तो ना जाने कितने काम को अकेला परफॉर्म करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हमारे बॉडी का ये लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीवर यानी आपका जिगर, जिगर का टुकड़ा, ये वाला मामला हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचक तरल पदार्थ स्रावित करती है, तो सिंपल पित्त को बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, भैया लीवर। हाँ अलग बात है कि लीवर पित्त को बनाती है, बट स्टोर करने के लिए वो चली जाती है गॉल ब्लेडर के पास। तो स्टोर कहां पे होता है, पित्त, गॉल ब्लेडर के पास, बट बनाती कौन है, लीवर। इसने तो वही बोला नहीं, कौन सी ग्रंथि पित्त बनाती है स्रावित करती, तो कौन सा, लीवर यानी यकृत। समझ रहा बेचारा, जिस तरह उसका नाम कादिर उसी तरह उसका जो नहीं होता है कादर खान जैसे एक्टिंग भी कर रहे हो। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना, तो वही तो है कारखाना, वो चीज होता है जहां पे धकाधक कुछ ना कुछ बनते रहे। तो भाई कारखाना सबसे कौन है, आपका यकृत है। कौन है, यकृत है। समझ में आ रहा मामला, आगे बढ़ जाए। तो कारखाना बोले, रासायनिक आपका प्रयोगशाला बोले, सबका आंसर क्या ठोकोगे, यकृत ठोकोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट बाइल जूस, अभी तो आपने पढ़ा बाइल जूस बना कौन रहा है, लीवर, स्टोर कौन करे, गॉल ब्लैडर। तो क्या बोलोगे, लीवर, बाइल जूस बना सीक्रेट कौन कर रहा है, लीवर। आगे बढ़ जाए, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो अभी तो मैंने आप लोगों से आपसे बोला था। चलिए मैं समझ गया, आप नए स्टूडेंट है, क्या बोला, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी कौन थी, लीवर, दूसरी मैंने बोला था अग्नाशय, अंतःस्रावी बोलता तो थायराइड, तो इसने क्या बोल दिया, सबसे बड़ी दूसरी कौन सी है, तो अग्नाशय यानी पैनक्रियास। प्लीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डेस्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अभी तो आपने पढ़ा लीवर, लीवर सबसे बड़ी होती है और दूसरी हो जाएगी अग्नाशय। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो याद रख लेना, जब भी आपका वो कौन ऐसा हार्मोन है जो मिल्क का सेक्रेशन करता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड के स्मूथ मसल को पकड़ लेता है, उसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है। तो याद रख लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन काम करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा, वो आपका मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा, वो अभी तो आपने पढ़ा, जब ये रसायन को पैदा करे, विष को हरने का काम करे, वो कौन है, बेचारा यही तो हमारा जिगर यानी लीवर। आगे बढ़ जाते, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यानी लीवर किसमें पित्त बनता है, बाइल बनेगा किसमें, लीवर में, स्टोर किसमें होगा, गॉल ब्लैडर। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, फिर से वही बात, लीवर से क्या बनता है भाई, लीवर से बाइल बनता है। आगे बढ़ जाओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आराम से बनाने को दिक्कत की बात नहीं। मेलाटोनिन इनकोड अ प्रोटीन इनटू सेल टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ, वो कौन ऐसा आपका बोला कि मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का इनकोड करता है, बताइए किस चीज को रोकने के लिए वो आपके क्या करेगा, वो आपकी कोशिकाओं के अंदर में प्रोटीन को डिकोड करने का, इनडिकोड करने का काम करेगा, तो वायरस। तो याद रख लेना, वायरस से बचना है, मेलाटोनिन का इंपॉर्टेंट मौजूद होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, तो दो लंग्स के बीच में जो ग्लैंड होता है ना उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, कौन सा, थाइमस ग्लैंड, और ये जो हार्मोन निकालता है उसको बोलते हैं थाइमोसिन, और ये थाइमोसिन के दो बेटे होते हैं, एक को बोलते हैं बी सेल और एक को बोलते हैं टी सेल, और यही एंटीबॉडी बनाता है और इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो याद रख लीजिएगा, दो लंग्स के बीच में बेचारा बैठा हुआ जो ग्लैंड है, ग्रंथि, उसका नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि, कौन सा, थाइमस, थाइमस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, थाइमोसिन, तो थाइमोसिन, ग्रंथि का नाम है थाइमस और उससे जो हार्मोन निकला उसका नाम होता है थाइमोसिन। समझ में आ रहा है मामला, आगे बढ़
उस ग्रंथि का नाम क्या हो जो अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। सिंपल, यानी एक ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए जो और सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को हुक्म देगा, ऑर्डर देगा कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको, समझ में आ रहा मामला। तो सबको हुक्म देने वाला जो आपका ग्रंथि है उसको बोलते हैं आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसीलिए ये मास्टर है और इसके सब स्टूडेंट है, इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथ। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथ, क्योंकि सारे अपने बच्चों को, यानी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा सबको ऑर्डर देगा कि भाई तुमको बाइल सिक्रेट करना है, तुमको आपके क्या करना है, तुमको वायरस को किल करना है, तुमको एंटीबॉडी बनाना है। तो सबका काम कौन करेगा? यही पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, जो ब्रेन में मौजूद होता है, ब्रेन के बेस पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि भाई? तो सिंपल सा बात है भाई, पीयूष ग्रंथि। तो सबका रिसाव करने का काम कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर? अब ये क्वेश्चन गलत होगा क्या? वो कौन ऐसा आपका इसमें का हार्मोन है जो आपके बॉडी के, सॉरी, वो कौन ऐसा ऑर्गन या ग्लैंड है जो आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा? भूख को, प्यास को, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता? हाइपोथैलेमस। अभी पूछने वाली बात है, हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस लाइपेज एंजाइम? वो कौन ऐसा है जो लाइपेज एंजाइम बनाएगा? लाइपेज क्या करते पता है ना, ये आपके कार्बोहाइड्रेट फैट को खाने का काम करेगा। तो लाइपेज दो जगह से मिलते हैं, एक तो पेनक्रिया से मिलते, उसको पेनक्रेटिक लाइपेज बोलते हैं, और एक इंटेस्टाइन से मिलते, उसको इंटेस्टाइनल लाइपेज बोलते हैं। तो दोनों हो सकता था, इंटेस्टाइन भी हो सकता था और साथ ही साथ आपके पेनक्रियाज भी हो सकता था। बट अगर सूटेबल बोला जाए तो इसमें दो दो इंटेस्टाइन है, तो दो तो चूज नहीं कर सकता, तो मैं ठोकता पेनक्रियाज। सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? तो सिग्मोइड कोलन जो होता है आपके बड़ी आंख का भाग होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा कवर करके रखा है। समझो कि आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो यू शेप में होता है और पूरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को घेर के रखने का काम करता है। तो जो सिग्मोइड कोलन होता है वो आपकी छोटी आंख को घेर के काम करेगा, बट भाग किसका है? बड़ी आंख का, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है? मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन? तो टाइलिन को ही बोला जाता है सेलिब्री एमाइलेज। क्या बोला जाता है? सेलिब्री एमाइलेज। और सेलिब्री एमाइलेज क्या करेगा? जो भी आप स्टार्च खाते हो उसको माल्टोज में तोड़ने का काम करेगा, जो आपके सलाइवा से सिक्रेट होता है। तो सलाइवा से सिक्रेट होने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सेलिब्री एमाइलेज, या उसको बोलते हैं टाइलिन। और ये क्या करेगा? जो भी आपने आप स्टार्च खाया उसको माल्टोज में तोड़ने का काम करेगा। ठीक बात है? हाँ, नहीं नहीं नीरू, ये नॉर्मली आपके केवल स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आपके लाइपेज बनते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल लाइपेज बोलते हैं। लार्ज से कोई लाइपेज का निर्माण नहीं होता। ठीक बात है? चल, तो इसी के साथ आज हमारा यहीं तक सेशन रहेगा। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं, और अपने स्कोर जरूर आप लोग कमेंट में जरूर डालें कि कितना आपका इसमें से स्कोर रहा। फिजिक्स का भी हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास में क्वेश्चन किया, केमिस्ट्री का भी किया और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी किया। और प्लीज आप लोग सैटरडे संडे को हमेशा रेडी रहिएगा प्रैक्टिस सेशन के लिए। कल भी आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, तो हम ये हमेशा 7500 के आसपास में डेली क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद साथियों।